नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मय। प्रथमे हेडलाइंस। तालचेर रोड निकटे मालवाही ट्रेन दुर्घटना, 6 बगी लाइनच्युत। दुर्घटना जोगु 12 ट्रेन बातिल, लोको पायलट समेत अन्य स्टाफ सुरक्षित। वर्षा परे दुर्दशारे साधारण जीवन, नयागढ़ कालीगिरी पोल उपरे 4 फुट्र पानी, छेंडीपदा पिपिली ब्रह्मगिरी पानी घेरे लोक, आठगढ़ अनेक गांव बाह्य जगतरु विच्छिन्न, चाष जमि लहड़ी मारुछि पानी। लगाण वर्षा परे फुलुछि नदी, भद्रक आखुआपदार विपद संकेत छुईला बैतरणी, आठगढ़ कूल लंघिला कंटिया नदी, डेंजर लेवल उपरे जलक, आनंदपुर में धोईगला ब्रिज। सतरें आसुची आउ एक लघुचाप, सबु जिलार जिलापा सजग रहा कहले एसआरसी। जलबंदी लोकों स्थानातरण निर्देश, 5 जिला को रेड वार्निंग, 7 जिला को ऑरेंज अलर्ट, भिजिब राज्यर उपकूल उपात। आज उत्तरप्रदेश में महाराजा महेन्द्र प्रताप यूनिवर्सिटर शिलान्यास कार्यक्रम में जोगदेवे प्रधानमंत्री। विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी भाव में आलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जमी दान देते स्वर्गत महाराजा महेन्द्र प्रताप। कोविड लड़ाई में भारत को ऐतिहासिक सफलता, कोविड 19 टीकाकरण में 75 कोटि डोज पूरा। द्रुत टीकाकरण क्षेत्र में बड़ बड़ देश को पछरे पकाइला भारत, भारत को प्रशंसा कला विश्व स्वास्थ्य संगठन। शेषे छोट आखिरे बड़ स्वप्न, परिवार पढ़ा खर्च कठिन परिश्रम, खबर कागज बिक्री करी गढ़ा चली भविष्य, मां हृदरोगी बापा दिव्यांग। रायगड़ा जिलार मेधावी उत्कलों संघर्ष वार्ता, मने पकाए मिसाइल मैन एपीजे कलाम को जीवन यात्रा। एथर संपूर्ण खबर। अनुगुल जिला तालचेर रे रोड उपरे ओलटिला मालवाही ट्रेन, गहम बोझे मालवाही ट्रेन रे 6 बगी लाइनच्युत होई। भोग बेरणी निकटे पोल धसी थिबारु मालवाही ट्रेन लाइनच्युत जोगु 12 ट्रेन बातिल होई। लोको पायलट समेत अन्य स्टाफ सुरक्षित थिबा सूचना आसी पहुंचुछि। तबे अनुगुल जिला तालचेर रोड पाखरे ओलटिछि मालवाही ट्रेन, गहम बोझे मालवाही ट्रेन रे 6 बगी लाइनच्युत होई। भोग बेरणी निकटे पोल धसी थिबारु मालवाही ट्रेन लाइनच्युत जोगु 12 ट्रेन वर्तमान बातिल होई, एवं या सहित लोको पायलट समेत अन्य स्टाफ सुरक्षित थिबा सूचना आसुछि। ए बाबद अधिक सूचना पाई फोन लाइन रे आम प्रतिनिधि जोड़ी अनुगुल तपन दास। तपन अपडेट कौन आसुछि? तो ये जो घटना रे बर्तन रो जहां अपडेट रही से जो जगह रे जो बरपर ब्लॉक भोगुबरणी ग्राम मुंडावल साई निकट रे जो केनाल ब्रिज रही मालवाही ट्रेन लाइन को रही बर्तमान जहां सूचना रही जो वरिष्ठ पदाधिकारी मान रही घटनास्थल में पहुंची से जो मरामती काम रही किभली भाव त्वरान्वित हो अनुध्यान करा जहां अनुमान कर ये पाखापाखि गोटे दिन रूर्ध समय मध्य लग पारे कहीं ब्रिज पाखे यह अघटन घटी आप सूचना दूसरे अनेक ट्रेन को बातिल करपट जहां मो पा सूचना रही दुर्गुर जो पुरी आसुवा जो ट्रेन से अनुगुल जिलार बईंडा स्टेशन निकट में अटकी और सहीटू ही जात्री मान को पड़ते कहीं गंतव्य स्थल को पहुंची पार ना कहीं जो भाई भाव यही अघटन घटी जहां सूचना आसुची पाखापाखि विलंबित राति घटना घटी एवं हठात यह सूचना पाइबा अनेकांश जो ट्रेन रतायात को स्थगित कर फल कौन ट्रेन जो बाधाप्राप्त नुहे से नहीं निश्चित भाव में तपन वर्तमान सुधा जेतु मरामती कार्य चली स्थिति स्वाभाविक होगापी टाइम लगे कि ट्रेन गुड़ी बातिल स्वाभाविक समय लगे। बहुत बहुत धन्यवाद तपन आपण समस्त सूचना। तेज आसत नजर पक वर्तमान पाणीपाग विशेषज्ञ रही उमाशंकर दास प्रतिक्रिया वर्तमान ता प्रभाव रे क्रमगत भाव जलीय बाष्प ओडिशा मध्य प्रवेश करुच्ची जोटा कि आपण जो अवपात गभीर अवपात रही बल जोगा
तेणु आमर जो विलंब जो दुर्बल हबार जो प्रक्रिया रही सामान्य विलंब हो तेणु ता प्रभाव में उपकूल ओडिशा रे वर्तमान प्राय अंचल मेघाच्छन रही वर्षा विभिन्न जगह लगि रही गत 24 घंटा रे आमर ओडिशार विभिन्न अंचल प्रबल रु अति प्रबल केतक स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा रेकर्ड होती पाखापाखि 16 स्थान में 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा रेकर्ड होती 12 रु 20 सेंटीमीटर जोटा कि प्रबल अति प्रबल वर्षा 12 रु 20 सेंटीमीटर पाखापाखि 33 स्थान में ओडिशा रे रेकर्ड होती 41 स्थान में प्रबल वर्षा रेकर्ड होती सर्वाधिक वर्षा आम अनुगुल जिलार तालचेर ठार 394 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती सोनपुर रे बिरहमपुर सोनपुर रे 372 मिलीमीटर सोनपुर ठारे 282.8 मिलीमीटर बौद्ध ठारे 262 मिलीमीटर बलांगीर पटनागढ़ ठारे आमर 251 मिलीमीटर अनुगुल बनारबल ठारे 245.6 मिलीमीटर और बलांगीर ठारे 240 मिलीमीटर ढेंकानाल हिंदोल ठारे 239 मिलीमीटर यही सब अंचल आपणकर 200 मिलीमीटर वर्षा अधिक रेकर्ड होती जहाँ अनुमान कर मध्यान अपराह्न परठारु उपकूल रे पागो परिवर्तन हबो मेघा वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमी जाउछि जोटा कि वर्तमान आमर जे अनुमान करा जाउछि जेहेतु मौसुमी जंत जो निम्नचाप रेखा ता सामान्य तार प्रभाव रे आमर उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती जिल्ला रे जेमिति रहउछि केन्द्रापड़ा तापर आमर भद्रक रहउछि बालेश्वर जाजपुर एही सब अंचल रे वर्षा लागि रहइबो बाकी सब आभ्यंतरण ओडिशार जिल्ला गुडी करे वर्षार प्रभाव रहइबो रेड वार्निंग कारण जेहेतु वर्तमान अवपातटी आमर उत्तर आभ्यंतर ओडिशा रही अनुमान कर आगामी किसी घंटा मध्य दुर्बल हो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर उत्तर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आड़ को गति कर तेणु ओडिशा रे प्रभाव विशेष भाव में रही ना और प्रभाव यार कम धीरे धीरे कारण जो मौसुमी जनित जो निम्नचाप रेखाटी ता प्रभाव में क्रमगत भाव जलीय बाष्प ओडिशा मध्य प्रवेश करूला जहाँ आमर जो गभीर था क्रमगत भाव बल जोगाऊला तेणु आमर वर्षार परिमाण सेमती कमी ना कि देखा काली गत का रात दुईटा पर ठार् आमर जब उपकूलवर्ती जिला गुड़िका भद्रक बालेश्वर जाजपुर यही जो जिले में बेल्ट रोच आमर वर्षार परिमाण वृद्धि होती कि बर्तमान धीरे धीरे आज अनुमान कर वर्षार परिमाण कम प्रबल वर्षार सीमित भाव में रोक निश्चित भाव कारण गत काली जो इंपैक्ट रही आपको रिवर लाइन फ्लडिंग बन्या जल जो नदी में बन्या समस्या सृष्टि होवार संभावना रही उपर मंडल जेहेतु वर्तमान क्रमगत भाव दुई दिन धरी अधिक वर्षा होती जहाँ अनुमान कर छत्तीसगढ़ मुहां जो हम उपर मुंडे वर्षा हम निश्चित भाव में बन्या परिस्थिति संभावना रही छत्तीसगढ़ पाखापाखि आप जहाँ अनुमान कर छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश यही अंचल 48 घंटा पर्यंत यार प्रक्रिया जारी रहइबो और धीरे धीरे यह अवपात रु तापर जो दुर्बल हे तार प्रभाव कम देखो आम जब देखा भुवनेश्वर आज मात्र 54 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होती कटक में जदि आम अधिक परिमाण वर्षा होती जोटा उत्तर ओडिशार उपकूल वर्तमान गत काली जो ऑरेंज वार्निंग जारी कराइला वर्तमान किंतु आम देखा भुवनेश्वर गत काली तुलन में वर्षार परिमाण कमी जोटा दक्षिण ओडिशार विभिन्न अंचल वर्षार परिमाण कमी जोटा गत काली कहला आभ्यंतरण ओडिशार विभिन्न जगह वर्षा लगि रही जो मौसुमी जनित निम्नचाप रेखा क्रमगत भाव जलीय बाष्प यही जो लघुचाप क्षेत्र परवर्त समय जो घनीभूत होता गभर अवपदा परिणत होता बल जोगाऊला तेणु यही जो प्रक्रिया सामान्य विलंब होती कि आज प्रबल वर्षा सीमित रहइबो उत्तर ओडिशार उपकूलवर्ती केतक जिला पई एवं धीरे धीरे यार प्रभाव कमी प्रोसेस वर्तमान स्लो रही कारण जलीय बाष्प जिते आप अधिक मात्रा गति करते जो दुर्बल हबार प्रक्रिया सामान्य विलंब होता है राज्य वर्षा और संभाव्य बन्या स्थिति नहीं एसआरसी निर्देश पानी जमिथिबा तळिया अंचल लोकों स्थानांतर पई कहिले आवश्यक स्थल में रंधा और शुकिला खाद्य जोगाइबा पई निर्देश रही रास्ता धोईथिले युद्धकालीन भित्तिरे मरामति पई निर्देश देछंती एसआरसी प्रबल रु अति प्रबल वर्षा दृष्टि एसआरसी सतर्कता निर्देश रही सब जिलापा सतर्क रही तलिया अंचल में आग को बन्या आसीपे जदि जनवसति प्रभावित हुए उच्च स्थान को स्थानांतर निर्देश देछंती एसआरसी
लघुचाप जनित लगाण वर्षार पुरी जिलार अनेक गाँ जलघेर रही। निमापड़ा ब्लक बामनाल पंचायत निनी गाँ बड़ निनी गाँ पिंपुलिया भूतपदा पातिपाइक साहि आदि गाँव गुड़िक एवं जलबंदी। सेपटे निनी गाँव बामनाल को संयोग करुवा मुख्य रास्ता उपरे अनेक स्थान में चलुच्छ बर्षा जल। विशेषकर अंचल हजार हजार एकर धान जमी बुड़ रही बेले पिंपुलिया गाँ एवं बाह्य जगत विच्छिन्न रही। तेज घटना बाबद अधिक सूचना अधिक चित्र सहित जोड़ी होती सीधासलख आम प्रतिनिधि दुर्गा माधव परिडा जोड़ी होती। दुर्गा वर्तमान सुधा चित्र कौन आसुची स्थानीय अंचल रु? देखु चिन्मयी आम बर्तमान अच्छु पिपिली एनएससी ये हूँ 12 नंबर वार्ड। आम गत रात देखा चेस्टा करूँ लोक स्थित कौन अच्छी तीन दिन जो लगाण वर्षा पर लोक मैंने किभली भाव रही प्रशासनिक अधिकारी मैंने किए आँचते कौन परामर्श दे कि कौन सहायता देखते किंतु केवल किसी चूड़ा आउ टे गुड़ आ गोटे बिस्कुट पैकेट दे दायित्व से सारी मुझे ये बस्ती अच्छी से बस्ती दृश्य देखा चाहूँगी देखिपे ये जो पलिथिन फनी पर घर मानक पलिथिन पड़ी एवं लोक मैंने से पलिथिन तले बसवास कर कहीं मानने भूमि ना भूमिहीन पर दीर्घ 30 रु 40 वर्ष हम यही अंचल बास कर जो लगाण वर्षा से लगाण वर्षा से घर कांथ सब भांगी जाइए जो कि पिला नहीं कि उच्च स्थान को जीवाई सेमती कौन स्थान ना आज जो कम्युनिटी हल क्या जो ये बस्ती जो कम्युनिटी हल अच्छी ये बस्ती में जो जो प्रशासनिक अधिकारी आसते से जगह को स्थानातर करने चेषा करते कि रात जो वर्षा है मानने से सुरक्षित जगह मानते रही जरी घड़े के बसी थे आम अच्छी जन घर घर निश्चित भाव में दुर्गा वर्तमान स्थित सांघातिक रही कारण खास करी पाणिपाग विशेषज्ञ मैंने जहाँ कहते पुरी जिले में अधिक मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जहाँफल लोक मैंने ना ना दुर्दशार सम्मुखीन भोगुंट। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा आपण तमाम सूचना। फुलुची बैतरणीर जलस्तर भद्रक आखुआपदा आनिकट निकटे विपद संकेत 17.83 मीटर थी सका 9टा सुधा यह 17.93 मीटर में जल प्रवाहित होतका रात जिले में प्रबल वर्षा जारी रही फल जिलार विभिन्न तलिया और खालुआ अंचल वर्षा पा जमा लोकों घर पा पशि बैतरणी नदी में क्रमगत भाव जलस्तर बढ़ुता बेले तलिया अंचल लोक भयभीत अवस्था रही। बैतरणी में बना आसिले मुख्यतः भंडारी पोखरी धामनगर ब्लक्र बहु पंचायत जलमग्न होता है। प्रबल वर्षा जो तलिया अंचल में पा जमा जदि बना आसे ताल लोकों दुख द्विगुणित हो बाबद्रे अधिक सूचना आम सहित जोड़ी होती आम भद्रक प्रतिनिधि दीप्ति रंजन साहू जोड़ी होती। दीप्ति वर्तमान भद्रक जिले में स्थिति केमती देखुं कारण नदीगुड़क वर्तमान जलस्तर वृद्धि घटुची एवं विपद संकेत टपिला वर्तमान के अंचल खासकर विशेष भाव प्रभावित हो निश्चित भाव में चिन्मयी देखो जदि भद्रक जिला कथ कह निहाती भाव भद्रक जिलार जो बैतरणी नदी रही फुलबार लगी जहाँफल कि लगातार ये जो लगाण वर्षा जो जारी रही लघुचाप जनित वर्षार भद्रक जिलार जो तलिया अंचल रही व्यापक भाव पा घेर अच्छा जो बैतरणी नदी कथा कहते बैतरणी नदी जो आखुआपदा आनिकटार विपद संगत रही 17.83 थी बेले बर्तमान जो सका 9टा सुधा जो रही 9टा सुधा 17.93 बनाज प्रवाहित होती बना जल जदि अधिक अधिक बढ़िवार जदि लागि बैतरणी नदी जलस्तर ताहाले भंडारी पुकुर परिमाण केमती रही कारण आम टिके पूर्व पाणीपाग विशेषज्ञ उमाशंकर दास गणमाध्यम को प्रतिक्रिया दौले और से कहते जे वर्तमान ये लघुचाप उत्तर पश्चिम दे गति कर खास करी जिते बड़े गति कर भद्रक कथा कहतु बालेश्वर कथा कहतु जाजपुर ये सब अंचल प्रबल वर्षा हाँ ऑरेंज वार्निंग गत काली दि जाइए रात दुईटा समय पर वर्तमान भद्रक बालेश्वर जाजपुर अंचल वर्षा जारी रही गत काली वर्षार परिमाण वृद्धि घटी वर्तमान वर्षार परिमाण केमती देखुं आप
देखो चिन्मय जदि भद्रक वर्षा कथा कहबा ताले गत काली राति लगाण वर्षा जारी रही है किंतु सकाल भी भोर भोर समय वर्षा लगी रही है तेज वर्तमान सुधा वर्षा ना किंतु आकाश मेघाच्छन्न रही तेज आम अच्छा आप देखिपे ये हूँ पांच नंबर वार्डर जल देखिपे किपर भाव में बना जो जल कथ नुहे मानने चारिमास दीर्घ चारिमास धरिक बना जल वर्षा किंबा ये जो ड्रेनेज जो असुविधार सम्मुखीन होती से पानी रे लोक मैंने जावासिया करम पाखे कि स्थानीय बासिंदा अच्छा सहित प्रचार बुझा और प्रतिक्रिया ना किपर भाव में दीर्घ चारिमास धरी पाघेर जावासिया कर कौन सब असुविधार सम्मुखीन होती आम पाखे अच्छा स्थानीय बासिंदा प्रतिक्रिया ना आज्ञा ये जो दीर्घ जो आप कौन समस्या चारिमास धरी ये जावासिया कर असुविधार सम्मुखीन होती देखो तो प्रथम अर्गस न्यूज को धन्यवाद देवी जे लोक पाखे आसी पहुँच पार्टी पांच छः वर्ष एमती चलती आज्ञा गोटे वर्ष चारिमास काल एमती रोचे पाखे देखते गोटे ओम साई हस्पिटाल अच्छी आगे अच्छा दुईटा इंग्लीश मीडियम स्कूल अच्छा जे ये पिलाने स्त्री लोक मैंने सब बड़े एमती पाने जावासवा ना प्रशासन बुझुच्च ना सरकार बुझुच्च ना म्युनिसिपालिटी बुझे कहीं भी बुझुना क्या जनवा दुख किमी जो गरीब लोक मैंने जो पाघेर रोचान खाया पीवा छुआ पिला सब चलने असुविधा सम्मुखीन घर बाहरी पार ना आज्ञा आगे आज्ञा घर बाहरी पार ना एम एत असुविधा रोचान आज्ञा आम देखते आज्ञा जापटे बुल गलु स्कूल रोड बाटे सेपटे पा आज एपटे फेरला बेलू पा कौपटे जीव आज्ञा कौन सी ड्रेनेज व्यवस्था भी हो पारना कहीं ड्रेनेज व्यवस्था हो पार नहीं जिलापाल भी कि दिन तले आसते कौन कौन असुविधा सब रही माने पब्लिक रास्ता भी बहुत चौड़ा अच्छे किंतु ये म्युनिसिपालिटी करिया कथा म्युनिसिपालिटी बर्तमान सुधा करूना बर्तमान म्युनिसिपालिटी कर पांच मस चार पांच मस धरिक दीर्घ पा रोच लगाण वर्षा लगाण वर्षा जारी रही आप सीधा साल चित्र भी देखे लोकों घर भितर पा पशुच्च लोक मैंने बाहर को बाहरी पार ना आप सीधा साल चित्र भी देखिपे किपर भाव में लोक मान घर भितर जोबले पा पशुच्च निहाती भाव में चलने असुविधार सम्मुखीन होती जिला प्रशासन किसी दिन तले आसी परिदर्शन करते जो वार्ड रे किंतु लोक मानकर जो जेकोसी कौन सी समाधान हो पार नहीं समस्या किंतु जो समस्या लगी रही है से ही समस्या लगी रही आम पाखे आउ किसी लोक अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे जो घर भितर पा पशुच्च आप देखिपे किपर भाव में आप जो जावासिया करतमान जो वर्षा लगी रही या भितर पानी जो समस्या आम भी देखुचु कौन कहे जिला प्रशासन कहीं समाधान कर ये तो कौन सी समाधान हो पार नहीं बर्तमान सुधा ये लगाण वर्षा जो बहुत घरे पा पशि जाशिज बहुत असुविधा होपटे बहुत स्कूल पिला भी जाऊली पढ़ुं शह शह गाड़ी भी जाऊँच कौन सी पदक्षेप नौन प्रशासन ये किसी दिन तले आसी जिलापाल निजे बुलिक जाते तथापि कौन सी पदक्षेप एपर्तंत निपारानी तो बहुत कष्ट बहुत जो चित्र देखाउले खास कर भद्रक रु जो चित्र आसुच्चे वर्षा पा जमुई अंचल ये पा निष्कासन करने प्रशासन गोटे बड़ चैलेंज हो कारण लोक अभोग आणुंत पा जमी खास करी चारिरु पांच मास एभली पानी जमी रहिबो लोक माने एथिरे ही जिबासिया करिबे आशा करूछु म्युनिसिपालिटी ए चित्र को देखुथिबे निश्चिंत म्युनिसिपालिटी कमिश्नर जो अछंती कर्तृपक्ष रहिछंती एवं खूब शीघ्र केमती पानी को निष्कासन करा जिबो सेठारु सेने की मध्ये पदक्षेप नबार आवश्यकता रहिछि दीप्ति बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम चित्र पई पालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक गब गाँव में 150 रु अधिक परिवार एबे जलबंदी रे गाँव रु वर्षा जल निष्कासन होइ न पारिबारु जमी रहिछि पानी एपर्यंत प्रशासन समान निकट में पहुंची पारि ना जहां लोकों मध्य देखा असंतोष तो बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित तो जलेश्वर आम प्रतिनिधि गोपबंधु साहू आम सहित तो जोड़ी होती गोपबंधु वर्तमान जो अंचल गुड़िक जलबंदी रही लोक मैंने पाघेर रही प्रशासन से निकट में पहुंचला ना ना देखते चिन्मय आम बर्तमान गोटे जगार अच्छे जलेश्वर सहर मध्य गोटे गोटे दस नंबर वार्ड रे अच्छे मौसी अच्छा आम प्रथम प्रतिक्रिया ना चाहिए मौसी आप देखुं कादु सर सर आप पलिथिन मेरी से घर से रोचे प्रतिक्रिया ना अज्ञा जो अच्छा पा रात का पशी जाता घर भितर आज जदि सामान्य कमी पा घर भितर पलिथिन जो अच्छा छोट छुआ पिलाटी को लेकिन रोचान प्रशासन आपखे पहुँचला ना सरकारी बाबू कहीं पहुँचल आपखे आसी 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 आसी
अच्छा से बर्तमान जो पानी निष्कासन हेई पारुनी समस्या कोन रहिची? अरे ड्रेन तो नहीं, ड्रेन नहीं एवं जा कोती के जीवा को सेमन कहचन जे एटा हम जमीदारी जाई आमे छाडीबू नहीं। अच्छा त ओछि से नुक बुडु जाउ किस माने प्रति प्रतिशाली जो माने धनी लोक माने सेमन जबरदस्त मारी रहिचन? हां जबरदस्त मारी रहिचन ती सेमन छाडु ना आती कोतले एटा दलाली नुहे दलाली के केते सेटा तो एनएससी रु आसी की कुलते देखते सेमन कहि आसुनाती एकजुट सर अंक कत की मु 10 तर फोन करी छी फोन ही उठे नाती। आ निश्चित भाबे जत बेले लोक माने पानी घेरे रहउछंती सत बेले जो विभागीय एग्जीक्यूट ऑफिसर रहइछंती ताको फोन रिस्पोंस करनाती और बहुत बड़ो अभिजोग करछंती दृश्य देखाय पई चाहे भी जो रहइछंती जो को भली आबे रहउछंती देखन संपूर्ण घर चारि पटे पानी जमी रहइछि एवं घर मध्य जो रहइछि जो नड़ा घर रही घर मध्य जहाँ से कहते घर जन रगिणा लोक रोचा तेज जन मौसी और छोट पिला घर रोचा प्रत्येक वर्ष स्थित लगी रहे ना ये प्रथम करी प्रत्येक वर्ष एभली असुविधा मैंने सम्मुखीन होती निकट अभियोग जनाई कि कारण सरकार गरीब असहाय अनेक योजना रही खास कर आवास योजना कथा कहतु मौसी जानिया पई चाहे भी जे ए जो समस्या देखु चंदी ए समस्या प्रति प्रति वर्ष ए बळे हाउची ना ए वर्ष ए बळे आला प्रति वर्ष बर्तमान सरकार जगौ चंदी प्रधानमंत्री आवास योजना आपण घर काही पाई पा नांती पर्यंत हमर ये करू चंदी इंदिरा आवास करू चंदी दउ चंदी दउ नांती कोन होय छी समस्या काहे की मिलु नाही प्रधान जदी जदी रही छी तळी अंचल रहू चंदी घर खंडे मिलेले अर्थहीन पैसा आई कि सारे पैसा देवे इंद्रावास पाइबे सरकम तो कई सुरक्षा दौ नाई ना से पिला तो पारु नै एवं तार होची किडनी रोगी जने से ले एई जे वर्तमान जाई छे मेघ झोडरो कार रो निश्चित भाबरे गप बंधु जहां प्रतिक्रिया आमे सुनुतिलु मौसी जनक प्रतिक्रिया रखु छंती खास करी केउ सब समस्या रे से माने जुझी हो छंती आ प्रशासन निकट रे एक खबर थिले सुधा प्रशासन एथि प्रति दृष्टि देउ नाही बहुत बहुत धन्यवाद गप बंधु आपनकर तमाम सूचना पाई। लगाण वर्षार बेहाल कणास और ब्रह्मगिरी कणास ब्लक मलागुड़ी नदी में सृष्टि घाई बुड़ा दुईट पंचायत से ब्रह्मगिरी ब्लक में ओलटिला विद्युत खुंट विद्युत सेवा व्याहत लगाण वर्षार आठगड़ किसी अंचल स्थित बेहाल आठगड़ ब्लक गोपीनाथपुर ठारे कंटिया नदी में पा आसवा जो नई विभिन्न स्थान में उछुड़ फल तरडिंग बैल दुईट गाँ बाह्य जगत विच्छिन्न होश शह एकर चाष जमी जलमग्न होल नुआगा सबर साही रास्ता उपर चारि फुट बना जल चलुचे तरडिंग जोरंदा को संजोग कर सतपगड़ा उपर चारि फुट बना जल प्रवाहित जो संपूर्ण जोजोग विच्छिन्न हो गाँ गुड़े किसी घरे बनापा बसवा जो लोक मैंने क्योंठ छात तो क्योंठ उच्च जगह देखी आश्रय नहीं पुणा कटक संबलपुर रास्तार दहीसरा माधवपुर ठारे चारि फुट सहित निधिपुर गड़ारे चारि फुट बना जल प्रवाहित तो जो यातायात तो संपूर्ण ठप हो आठगड़ ब्लक इच्छापुर गाँ निकट में सापुआ नई में घाई होगा फल इच्छापुर गाँ समेत माटिकोट गुड़ुपड़ा गाँ भितर पा पशुच्छे बेलकू बेल नई में पा बढ़ु लोके आतंकित तो अवस्था अच्छा जदि एभली वर्षा लग रुहे तेज स्थित आहरी आगक संगीन होवार आशंका कर दुई दिन लगाण वर्षार जलमग्न नयगढ़ जिला गणिया ब्लक शताधिक परिवार गणिया ब्लक ओस्तिया बसंतपुर गोछबारी गाँव में लगाण वर्षा जो अनेक घरे पानी पशी लोके नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होती अनेक परिवार लोके घर पानी बाहर करिबारे लागिछन्ते किछि लोक निरुपाय होई परिवार लोकंकु नै उच्चा स्थान रे रहिछन्ते
अनुगुल छेंडीपदारे वर्षा बिदपात जरपड़ा परा रास्तारे लिंगरा नाल पोल उपरे जमी रही अढ़ेई फुट्र पाणी विभिन्न स्थानको जातायात विच्छिन्न होइछि। ग्राम उन्नयन विभाग पक्षरु 4 वर्ष तले 45 लक्ष टंकारे निर्माण होइथिला एही पोल। पोलटी निम्नमानर कार्य होइथिबारु उभय पार्श्व रास्ता धोइ नैछि, तेणु परा पंचायतवासीक जातायात संपूर्ण भावे ठप होइछि। लघुचाप जनित लगाण वर्षा जो भुशुड़ा फापुड़िया पोल फल जातीय राजपथ 20 को संयोग करुवा सालपड़ा सरई रास्तार जातायात ठप हो रास्ता दे प्रतिदिन शह शह लोक जातायात करती। रास्त सरई निकट फापुड़िया नाल पोलटी भुशुड़ी पड़ी। प्रतिवर्ष सामान्य वर्षा पोलटी भुशुड़ी पड़ता बेले प्रतिवर्ष यार मरामति निम्ते पूर्त विभाग पक्ष लक्ष लक्ष टा खर्च होठार स्थायी पोल निर्माण लगे स्थानीय बासिंदा दावी कर ଏବେ ପୋଲ ସାର୍ ସ୍ଥାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ମଦନପୁର ବାରିଗା ମାନେ ମଦନପୁର ଅତାସାହି ପାଟଣା ଉଞ୍ଚୁବାଲି କଡ଼ରାପାଳ ବାଦିବେଲି ଦେଓଗାଁ ତୁରା ନାରଙ୍ଗପୁର ସବୁ ଏ ଲୋକ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏବାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନେ କହିଲେ ଚଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୋଲ ବାନ୍ଧି ପୋଲ ତ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲକୁ ଯୋଗାକୁ ସେଇଆ ହେଉଛି ଆଉ ପୋଲ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଲ କରିନେ ହେବ କ'ଣ। ପାଣି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆସୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମାନେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ରିପେୟାରିଂ ହେଉଛି, ପୁଣି ସେମିତି ଯେମିତି କାମ ହୋଇଛି ପୁଣି ଏମିତି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଆମର ଏଠି 3-4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ବାଟେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବାଟେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଟୁଲୁ ଗାଡ଼ି ବାଟେ ବି ଏବାଟେ ଲୋକ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା ଗତାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଫଜରି କାମ ହେଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସବୁ। ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି NH-16 ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା। ହତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ନର ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। କିନ୍ନରକୁ ଅସଦାଚରଣ ଯୋଗୁଁ ସଂଘବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ସୋତି ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖି ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ତଦନ୍ତର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ ଧରି ମାରାଥନ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଦୁଇଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମେ ବଚସା ପରେ ମାରପିଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିନ୍ନରମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଭଦ୍ରକରୁ ନିଜ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ।